Hello everyone, please like and subscribe my channel. Tell me your favorite book and I can read them for you. You can also listen to me on Spotify and YouTube now. Enjoy and let me know how you like my book. Bye bye. पेप्पा की रक्षा बंधन की कहानी। एक प्यारे गांव में पेप्पा पिग और उसकी फैमिली रहती थी। एक साल रक्षा बंधन के त्योहार के दिन उनका प्लान था कि वो सब कुछ टीवी पर देखें और फिर अपनी फैमिली में राखी का त्योहार मनाएं। सुबह पेप्पा और जॉर्ज ने अपनी मम्मी पापा से कहा, मम्मी डैडी आज राखी है, हम टीवी पर रक्षा बंधन की कहानी देखना चाहते हैं। मम्मी पिग ने मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा विचार है बच्चों, चलो टीवी देखते हैं। सबने टीवी ऑन किया और देखा कि एक खास प्रोग्राम आ रहा था जिसमें रक्षा बंधन के महत्व और उसकी हिस्ट्री बताई जा रही थी। पेप्पा और जॉर्ज ने ध्यान से सुना और समझा कि राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। उनको ये भी पता चला कि राखी बंधने से रिश्ते और प्रेम को और मजबूती मिलती है। टीवी प्रोग्राम देखने के बाद पेप्पा और जॉर्ज ने अपने दोस्तों सूजी शीप, डैनी डॉग और इमिली एलिफेंट को रक्षा बंधन के त्योहार के बारे में बताया और उन्हें राखी की महत्वपूर्ण बातें समझाई। फिर वो सब ने मिलकर अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए राखी तैयार की। पेप्पा ने एक सुंदर सी राखी बनाई, जॉर्ज ने भी अपनी स्पेशल राखी बनाई और उनके दोस्तों ने भी अपने भाई बहन के लिए राखी बनाए। त्योहार के दिन पेप्पा और उसकी फैमिली ने अपने भाई बहन के साथ मिलकर राखी बांधी। पेप्पा ने जॉर्ज के लिए राखी बांधी, जॉर्ज ने पेप्पा के लिए राखी बांधी और ऐसे ही सब ने अपने रिश्तेदारों के लिए राखी बांधी। सबने एक दूसरे को मिठाइयां दी और खुशी खुशी रक्षा बंधन का त्योहार मनाया। राखी बंधने के बाद पेप्पा ने अपने भाई जॉर्ज से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसकी मदद करेगा और उसके साथ रहेगा। इस दिन को यादगार बनाने के लिए पेप्पा और उसकी फैमिली ने एक साथ आरती की और फिर मिठाइयां खाई। ये उनके लिए एक खुशी भरा और प्रेम से भरा दिन था और इस तरह पेप्पा और उसकी फैमिली ने रक्षा बंधन का त्योहार मनाया और रिश्तों को और भी मजबूती से जोड़ा। राखी के महत्व को समझने के बाद उन्होंने इस त्योहार को और भी यादगार बनाया।